नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं टूटी फूटी बनाने जा रही हूँ। तरबूजा के छिलके जो आप लोग फेंक देते हैं उसको फेंकने की जगह मैं टूटी फूटी बना के दिखाने वाली हूँ दोस्तों। वीडियो में अंत तक बनी रहिए मेरा। ये देखिए दोस्तों, ये थोड़ा रेड रह गया, इसको हम निकाल देते हैं। ये देखिए ऐसे निकाल देंगे, जो वेट पार्ट है उसको देंगे और उसको ऐसे तरक करके सब छिलके को निकाल लेंगे। हल्का हल्का करके ऐसे छिलका निकाल लेंगे, इसको हल्का हल्का करके सब। ये देखिए दोस्तों, ऐसे ऐसे करके सब हम काट लेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैं 1 लीटर पानी रखी हूँ कढ़ाई पे, और ये देखिए फूटी फूटी बनाने के लिए मैं काट के अच्छे से वॉश कर ली हूँ, 2-3 पानी धो ली हूँ। इसका भी इसमें ऐड करते हैं। इसको दोस्तों हम लोग 10 मिनट, पूरा 10 मिनट तक इसको उबालने लगेंगे। मैं 1 लीटर पानी ली हूँ और इसको 10 मिनट तक उबालने छोड़ देंगे। ये देखिए दोस्तों, इसको 10 मिनट तक उबालने के लिए हम ढक्कन लगा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, गैस बंद कर दिया मैं, 10 मिनट पूरा हो गया है। इसको हम अच्छे से निकाल लेते हैं, पानी से छान के निकाल के रखते हैं। ये देखिए दोस्तों, हो गया है उबल के, इसको रखते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस ऐसे ये कप से मैं 3 कप शक्कर डालने वाली हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं 3 कप दे दिए इसमें, तो ये लगभग आपको अंदाजे ऐसे नहीं आएगा, मैं 250 ग्राम दिए हूँ इसमें शक्कर। इसमें अभी 3 कप जैसे चीनी दिया हूँ, वैसे मैं 4-5 कप पानी देने वाली हूँ। ये देखिए दोस्तों, शक्कर जितना दी हूँ उससे ज़्यादा मैं पानी देने वाली हूँ। ये देखिए, शक्कर 3 कप दिए हूँ तो पानी 6 से 7 कप मैं दी हूँ। उसको अभी गैस जलाते हैं। ये देखिए दोस्तों, शक्कर पूरा घुल गया है, और इसमें हम फूटी फूटी डाल देते हैं। इसको पानी आधा तक होने तक उबालेंगे। ये देखिए दोस्तों, अच्छा से हो गया। ये देखिए दोस्तों, एग्जैक्ट हो गए हैं, देखिए अच्छा से। इसको हम उतारेंगे और 3-4 मिनट उसको ठंडा होने देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये उतार लिए हम, हमें 2-3 मिनट इसको ठंडा होने देंगे। और थोड़ा सा ही जो मैं कढ़े पे रखी हूँ, इसको हमें येलो कलर का बना रही हूँ, घर में जो हल्दी कलर रहता है उसका। क्या ठंडा होने के बाद यह नहीं कर सकती हूँ मैं, ठंडा हो जाने के बाद ये देंगे तो उसका बास रह जाएगा उसमें, इसलिए मैं इसी में दे दे रही हूँ। इसको हो गया, थोड़ा सा गर्म कर दिए दोस्तों, इसको उतार के रखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है रोज वाटर, या आप लोग वेनिला फ्लेवर में दे सकते हैं। 10 से 12 बूंद रोज़ वाटर दे रही हूँ, उसका खुशबू अच्छा आएगा। हल्दी का जो बनाई हूँ उसमें भी 2 से 4 बूंद दे रहे हैं, अच्छा से मिक्स कर दे रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये ग्रीन कलर है, थोड़ा सा ग्रीन कलर ये बना रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये टमाटर रेड कलर है, इसमें डालती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये ऑरेंज कलर है, हमें ऑरेंज कलर कलर में मिक्स कर दिया है। ये रेड कलर है, और ये ऑरेंज कलर है, और ये येलो कलर है, ये ग्रीन कलर है। दोस्तों येलो कलर को मैं घर से हल्दी में बनाई हूँ, हल्दी डाल के उसको बनाई हूँ। और ये सब अब ऐसे मैं रहने दूँगी पूरा 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के बाद इसका हम निकालेंगे, तब तक एब्जॉर्ब कर लेगा सब कलर। 24 घंटे के लिए ऐसे टूटी फूटी बन के रेडी हो गया। शक्कर के पानी में जो फूड कलर दे के रखी थी मैं आप लोगों को बोली थी 24 घंटा रखना चाहिए, 24 घंटा नहीं रखूँगी इसको, 4 घंटा रखने से ऐसा कलर बन गया है। दोस्तों मैं इसको निकाल देती हूँ अलग अलग करके। ये देखिए टिशू पेपर रखे हूँ मैं, टिशू पेपर में इसको अलग अलग कर लेती हूँ, इसमें टिशू पेपर में रखूँगी मैं इसको। इसका पानी जो अलग अलग है, एक साथ मत करिए, कलर एक साथ हो जाएगा, मैं अलग अलग करने वाली हूँ। ग्रीन कलर कर लेती हूँ।
ये देखिए दोस्तों, मैं अच्छे से निकाल के टिश्यू पेपर में रख दी हूँ। टिश्यू पेपर में रखने से क्या होता है कि जो पानी रहता है ना शक्कर का, वो पानी खींच लेगा जल्दी, तो हमारा सुखाने में अच्छा हो जाएगा। तो इसको आप लोग धूप में सुखा सकते हैं। ये देखिए ग्रीन कलर का है, ये रेड कलर का है, और ये येलो कलर का है, और ये ऑरेंज कलर का है। दोस्तों इसको हम अच्छे से फैन के नीचे हम सुखाएंगे 7 से 8 घंटे तक। अच्छे से सुखाने के बाद, और अगर धूप आप लोग का पास आते हैं तो धूप में आप 7 से 8 घंटा एक ही दिन में सुखाएंगे तो हो जाएगा। मैं इसको अच्छे से सुखाना पड़ेगा मुझे, फैन के नीचे सुखाऊंगी तो इसको एक दिन लगभग सुखाना ही पड़ेगा मुझे फैन के नीचे। कम से कम तो 24 घंटा मुझे ये फैन के नीचे सुखाना पड़ेगा। और आप लोग है कि धूप में सुखा रही तो 7 से 8 घंटा में सूख जाएगा ये। दोस्तों यह दोस्तों एक दिन के बाद आप लोग को मैं दिखाती हूँ सूखने के बाद कैसे दिखता है। दोस्तों टूटी फूटी बन के रेडी हो गए हैं। मैं 2 घंटा धूप में, धूप तो है नहीं मेरा इधर सुखाने का, मैं फैन के नीचे धूप 2 घंटा रखे थे, और ये बहुत टाइम लग जाएगा दोस्तों, एक दिन रखना पड़ेगा। इसलिए मैं मोबाइल को ऐसे ही वीडियो लंबा ना खींचूँ, इसलिए इसको ख़त्म करती हूँ। दोस्तों इसको बनाने के लिए आप लोग को टूटी फूटी को काट के, छिलका उतार के काट के, उसको 10 मिनट उबालने का और 5 मिनट ठंडा करने का, उसके बाद और 10 मिनट इसको शक्कर के साथ उबालने का। जितना टूटी फूटी लिया है उसके हिसाब से आप लोग के हिसाब से शक्कर लेने का, उबालने का। उबाल के उसको जो भी फ्लेवर आप लोग दे सकते हैं, मैं तो रोज़ वाटर दी हूँ, आप केवड़ा का वाटर दे सकते हैं, यार या आप सॉरी ये वेनिला फ्लेवर भी दे सकते हैं। तो ये धूप में अच्छा से सुखाना पड़ता है दोस्तों। मेरा इधर मैं मुंबई में रहती हूँ तो बालकनी में बहुत लेट से धूप आते हैं, इसलिए मैं फैन के नीचे इसको पूरा 24 घंटा के लिए फैन के नीचे सुखाऊंगी अच्छा से और रखूँगी। स्टोर करके रखिएगा, ज़रूर बनाइएगा। और मेरा चैनल को अगर अच्छा लगे उसे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये टूटी फूटी बनाने की रेसिपी कैसे लगा। और दोस्तों ये बना के आप जूस लस्सी या इसमें भी दे सकते हैं, केक में, आइसक्रीम में, ये सब में बहुत काम आता है। तो ये हम बना के ये स्टोर करके रख देते हैं ताकि आगे जाके हम कुछ भी बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों ये ऑरेंज कलर है, ये येलो कलर है, ये रेड कलर है, ये ग्रीन कलर का है, और ये जो है ये जूस, मैं दोनों को 2 कलर का, जो येलो वाला था और रेड कलर का, वो मैं जूस बना दी हूँ, और ये 2 ही कलर रह गए। ये सब आप जूस लस्सी जो बना के पीते हैं ना, ये तो शक्कर का पानी है ना, कलर है, तो पी सकते हैं उसमें मिक्स करके, फेंकना मत उसको। इसी को बताने के लिए ज़रूरी था इसलिए बता दिया। बाय।